Hi everyone, welcome back to my channel निशा सीक्रेट वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है एंड टेस्टी रेसिपी है। इसे आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 से 5 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है 2 स्लाइस अमूल चीज के, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज के अनियन, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। फिर 1 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च एंड 1 टमाटर, सभी को हमने बारीक काट लिया है। यहाँ हमने अमूल के बटर लिए है। बटर हम इसमें 1 से 2 चम्मच ही यूज करेंगे। अब हम लेंगे ओरिगेनो, इसे हम 1 टीस्पून लगभग यूज़ करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स, इसे भी हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। काली मिर्च 1 से 2 पिंच। यहाँ मैंने काला नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। एंड टमेटो केचप, ये हमने 4 टेबल स्पून लिया है। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें हम सारी सब्जियों, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। एंड फिर इसमें चीज डालेंगे 1 टेबल स्पून करीब। और फिर चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला। चाट मसाला से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर ओरिगेनो, एंड इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारी जो मिश्रण है वो तैयार है। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड लिया है, इसके ऊपर हम टमेटो केचप लगाएंगे कुछ इस तरह से। आप चाहे तो टमेटो केचप की जगह पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण को डालेंगे। फिर इसमें हम चीज डालेंगे। चीज को आप अच्छे से इसके ऊपर भरे। एंड अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। और ओरिगेनो। तो हमारी जो पिज्जा ब्रेड है वो तैयार है तवा पे जाने के लिए। तवा को हमने लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और फिर इसमें 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। और एक एक करके ब्रेड स्लाइस को तवा पे डालेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ब्रेड जल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको नजदीक से दिखा दूं,
चीज एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। यानी हमारा ब्रेड पिज्जा तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। एंड फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो हमारी जो यम्मी चीजी ब्रेड पिज्जा है वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। इसके पीछे का भी कलर काफी अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होती है। तो प्लीज इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।